बातें कर रही है माँ जी। अरे ऐसा काम करने से पहले सोच तो लेना था। बस बस कीजिए आप, इस घर के बारे में और इस घर के बड़ों के बारे में बोलने से पहले सोचिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि इस घर के छोटे अपना लिहाज भूल जाएं। चल जाइए आप लोग यहां से। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हम तो चले जाएंगे बेटा, और तुम हमें चुप भी करा दोगे ये अंग्रेजी बोलकर, लेकिन कल दुनिया वालों को क्या जवाब दोगे? सास ससुर ने आके अपना काम तो कर दिया, तीर बिल्कुल निशाने पर है। करण, करण विमल आओ, करण विमल आओ, जल्दी आओ, अम्मा को होश आ गया, जल्दी आओ। अम्मा क्या हुआ? अम्मा आंखें खोलो। दादी, अम्मा, दादी, अम्मा। बुढ़िया को इतनी जल्दी होश आ गया, कहीं इस बुढ़िया ने प्रतिभा के जिंदा होने वाली बात तो नहीं बता दी? हाँ बोलो। दादी आप माँ के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? दादी मासी जी की तरफ इशारा कर रही थी, शायद वो भी यही चाहती हैं जो हम चाहते हैं। क्या चाहती हो तुम? पापा और मासी जी की शादी। ये हरगिज नहीं हो सकता। पापा कह रहे हैं आप लोग? उन लोगों ने जो कहा था वो उनकी सोच थी। कम से कम आप लोग तो ऐसा मत कहिए, ऐसा मत सोचिए। मुझे बदनामी से बचाने के लिए जियाजी मुझसे शादी करें मजबूर होकर? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। पापा, पापा को समझाना बहुत मुश्किल है, और वो भी इस वक्त। पर करण, माँ पापा हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप पिताजी से कहे वैसे बात करने के लिए तो शायद। हम उनसे बात करेंगे बेटा, तुम माँ जी का ख्याल रखना। अब हम निकलते हैं। हेलो दीदी, रंजीत को बिना बताए आप इसी वक्त मुझसे माता के मंदिर में मिली है। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ वकील साहब, इस वक्त आप सिर्फ इतना सोचिए कि आपको ये शादी क्यों करनी है। आपको ये शादी इसलिए करनी है ताकि कोई भी आपकी बेटी को बिन माँ की बच्ची कह के उसका तिरस्कार ना करे। आपको ये शादी इसलिए करनी है ताकि आपको एक जीवन साथी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात वकील साहब की आपकी माताजी की खुशी भी इसी में है। इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश, कृपया आप इनकार ना करें। हाँ पापा, सच तो यही है कि मासी के आने से इस घर में माँ की कमी पूरी हुई है। पापा प्लीज मान जाइए ना।